नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ीरोधा कॉइन के तीन नए अपडेट के बारे में, जिसमें से एक अपडेट मुझे काफी पसंद आया है और बाकी दोनों अपडेट तो हैं लेकिन उतना मुझे लगता नहीं है कि यूजफुल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और वहां से जा करके अपना जो ज़ीरोधा कॉइन का प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप है, उसको अपडेट कर लेना है। किस तरीके से करना है उसके लिए हमने अपना प्ले स्टोर खोल लिया, अभी यहाँ पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको मैनेज पे क्लिक करना है। चलिए मैनेज पे जाते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है अपडेट अवेलेबल्स। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अभी ये आपको दिख रहा होगा ज़ीरोधा कॉइन डायरेक्ट MF और यहाँ से एक एरो का निशान दिख रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर तीन अपडेट आपको दिख रहे हैं। पहला जो अपडेट है वो है व्यू एंड मैनेज एसोसिएटेड SIPs ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट स्क्रीन, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा आगे। दूसरा है व्यू मंथली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम SIPs फ्रॉम ईच फंड इन पोर्टफोलियो। तीसरा है व्यू परचेज हिस्ट्री ऑफ फंड ऑन इट्स NAV चार्ट, ठीक है, और बाकी ये बग फिक्सेस एंड एनहांसमेंट है। तो ये जो तीसरा वाला है ना, NAV चार्ट पर जो आप अपना परचेज हिस्ट्री देख सकते हैं, ये मुझे काफी बेहतरीन लगा है। तो पहले अभी हमको क्या करना है, इस ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके लिए यहां पर करते हैं टैप। जैसे ही आप टैप करेंगे आपको अपडेट का ये ऑप्शन मिल जाएगा और यहां से आपको कर लेना है अपडेट। तो इसको अपडेट हो जाने देते हैं। तो दोस्तों अभी ज़ीरोधा कॉइन का जो मोबाइल ऐप है हमारा अपडेट हो चुका है और यहीं से अभी इसको हम कर लेते हैं ओपन। चलिए यहां पर हमने कर दिया क्लिक। ओपन करने के बाद में इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब बारी बारी से उन अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला जो अपडेट आपको क्या देखने को मिलेगा उसको समझिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर। हमने चलिए यहां पर क्लिक कर दिया। यहां पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि जब मैं यहां पर नीचे की ओर आता हूं तो ये चीज यहां पर इसे लिख करके आ रही है 1 SIP 1K दिस मंथ। ये अगर आपका मोबाइल ऐप अपडेट नहीं होगा ज़ीरोधा कॉइन का तो ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद में नीचे की ओर देखिए 1 SIP 1K दिस मंथ, ठीक है। अगला ऑप्शन यहां पर देखिए 1 SIP 1.1K दिस मंथ। तो ये सारे ऑप्शन आपको अब दिखने लगेंगे अपडेट होने के बाद में। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगली चीज क्या आपको दिखेगी मोबाइल ऐप के अपडेट होने के बाद में, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी आप यहां पर कहीं पर भी जो भी आप देखिए यहां पे पोर्टफोलियो सिलेक्टेड है, किसी भी आपको फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरे केस में मैं ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड दिख रहा है, इसके ऊपर मैं ऐसे टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद में जब हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 1 SIP और ये एक्टिव दिखा रहा है और बाकी यहां पर हमारी डिटेल्स दिखा रही है। ये अगर आपका मोबाइल ऐप अपडेट नहीं होगा तो ये चीज यहां पर नहीं शो करेगा। अब ये दिया क्यों गया है, इसके पीछे देने का कारण ये है कि आप यहीं से आपकी जो SIP है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तमाम चीजें आप यहीं से कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे कि आपको अब अलग से जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी चीजें भी आप यहां से कर सकते हैं, जैसे डिलीट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है, वो क्या चीज है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम अपने जो हमारा ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है यहीं पर हम रहते हैं और फिर से इसी फंड को हम चूज कर लेते हैं। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अभी ये जो हमारा फंड है जहां पर ये एरो जैसा बना है तो यहां कहीं पे भी टैप कर लीजिए। चलिए हमने यहां पर टैप कर लिया। टैप करने के बाद में आप देखिए इस तरीके से कुछ डॉटेड पॉइंट यहां पर दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने ऊपर की ओर खरीदा है तो इसलिए ये सारे डॉट डॉट ऊपर की ओर दिख रहे हैं। अगर यहां पर कहीं पे मैंने बाय किया होता तो यहां पर डॉटेड 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 दिखता और जब वहां पर आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो देखिए क्या दिखेगा। चलिए मैं इसको ले जाके आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर ऐसे
किया। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि कब मैंने बाई किया, जैसे मेरे केस में यहाँ पे 20 जुलाई 2023 को बाई हुआ है, किस एनएवी पर बाई हुआ है और कितनी यूनिट्स मुझे मिली। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ऊपर नीचे जैसे ही आप ले जाएंगे तो जो जो आपकी परचेज हुई रही होंगी, सिर्फ यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर बाई साइड का ही दिखता है। एक जगह पर जहां पर मैंने सेल किया था तो वहां पर जब मैंने देखा तो वहां पर सेल का हमें इस तरीके से नहीं शो करता है, सिर्फ बाई वाले ऑप्शन ही शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई और भी हम देख लेते हैं, मेरे केस में कौन सा देखूं, चलिए जरा इसको देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इसमें भी ऊपर की ओर ही दिख रहा है। मैंने सोचा कि कोई यहां पर मुझे मिल जाए आपको दिखाने के लिए जो यहां यहां पर मैंने खरीदा हो, तो वो हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, यहां पर भी ऐसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है। अब जैसे किसी ने यहां पर खरीदा होगा तो उसको बड़ा अच्छा दिख रहा होगा ना कि यहां यहां पर उसने खरीदा और उसके बाद में कितना उसका बढ़ गया है, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगेगा और एक नजर में आपको चीजें समझ में आएंगी और यहीं से आपको काफी डिटेल मिल जाया करेगी। तो ये अपडेट तो मुझे बेहद पसंद आया। आप बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा अपडेट अच्छा लगा, या अच्छा लगा भी या नहीं लगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी ने अभी तक ज़ीरोधा के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया है और अकाउंट ओपन करवाने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़ीरोधा और अन्य भी ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।